Hello aspirants, welcome aboard. So again we are back with the next series of the lecture which we have started. So let's discuss the 10 MCQs of today, and you can revise your preparation as well as you can assess your level of preparation. आप इसको use कर सकते हैं अपने revision purpose के लिए, या फिर आप check कर सकते हैं कि आपको कितने marks मिल रहे हैं और आपकी preparation का level क्या है. Anything above 70% means above 7 questions is really good and it ensures a good chances of selection. So let's get started. So this is about me. If you have any questions, queries, concern, clarification, then you can send me email or contact me on the details which will be mentioned at the end of this session. Okay. So, आपको किसी तरह का कोई भी सवाल है किसी सब्जेक्ट के बारे में, यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जाम की किसी भी स्टेज के बारे में, तो आप हमको मेल भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं. शुरू करते हैं. व्हाट डज बोधायन थ्योरम, बोधायन शूल्व सूत्र इज रिलेटेड टू, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ पाई, लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें से किस चीज से बोधायन थ्योरम रिलेटेड है. So, इसका करेक्ट आंसर है बोधायन थ्योरम इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम विच इज मेंशन्ड इन द कृष्ण यजुर्वेदास तैतरीय ब्राह्मणा. ओके, सो ये करीब 1000 बीसी के आसपास लिखा हुआ एक इंडियन टेक्स्ट है जिसमें बोधायन शूल्व सूत्र मेंशन्ड है विच टेल्स यू द पाइथागोरस थ्योरम इन इट्स ओल्ड डेज. सो बोधायन थ्योरम इज रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज मेंशन्ड इन द कृष्ण यजुर्वेदा. यजुर्वेद हमारे चारों वेदों में से एक वेद है. इट हैज टू पार्ट्स, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा. एंड कृष्ण यजुर्वेदा तैतरीय ब्राह्मणा हैज दिस बोधायन शूल्व सूत्र. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी. सो ऑप्शंस आर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब. सो इट्स इजी टू रिमेम्बर एक्चुअली. सी, अकबर के शासनकाल में कुछ यूरोपीय यात्री आए थे बट कोई फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी. ओके, सूरत और मसूलीपट्टनम ये वो जगह हैं जहां पर पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई थी. एंड दिस ऑल हैपेंड बिटवीन 1612 एंड 30. ओके, सो ये अकबर की मौत जो है वो 1605 में हुई थी. सो इट इज जहांगीर जिसके शासनकाल में फॉर द फर्स्ट टाइम फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द मछलीपट्टनम. दे ऑल्सो गॉट द परमिशन टू मेक अ सूरत एज इट देयर फैक्ट्री. ओके, एंड इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी जहांगीर. चलते अगले क्वेश्चन पे. हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड and refused to accept a position in the council of secretary of state for india. isme se kis vyakti ne knighthood ki upadhi ko reject kar diya tha aur secretary of state ki council mein jagah lene se mana kar diya tha. was it motilal nehru, mahadev govind ranade, gopal krishna gokhale ya bal gangadhar tilak. okay, so iska correct answer jo hai that is gopal krishna gokhale. 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्विट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी. ही रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. ही सेड दैट दिस आई विल नॉट रिमेन गोखले इफ आई एक्सेप्टेड दिस पोजीशन. मैं गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रह जाऊंगा अगर मैंने ये उपाधि और ये पोजिशन एक्सेप्ट कर ली. ओके, इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज political mentor of Mahatma Gandhi. Next question. During the Indian freedom struggle, who of the following created the army called Free Indian Legion? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनमें से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस या डी विनायक दामोदर सावरकर. So, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी. विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मंडली या अभिनव भारत नाम से एक सोसाइटी की स्थापना की थी. फ्री इंडियन लेजेंड की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी जब ये जर्मनी गए थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वहां पर जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे
उनके साथ इन्होंने फ्री इंडियन लेजेंड या आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वहीं पर इनको नेताजी का टाइटल भी मिला था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर्स। इसमें से किसने ये सुझाव दिया था कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मंत्री या सारे जो विभाग है वो भारतीयों के अधीन होने चाहिए? ऑप्शन इज ए साइमन कमीशन, बी शिमला कॉन्फ्रेंस, सी क्रिप्स प्रपोजल या डी कैबिनेट मिशन। सो साइमन कमीशन अगर आपको याद हो, ये 1928 में आया था, तब वॉर की कोई सिचुएशन ही नहीं थी, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें चुनना है आइदर इट वॉज शिमला कॉन्फ्रेंस और क्रिप्स प्रपोजल और कैबिनेट मिशन। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें शिमला कॉन्फ्रेंस की, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वॉवेल जो थे वो वॉवेल प्लान डिस्कस कर रहे थे विद मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, और यहाँ पर एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ और जो डिफेंस का पर्पस था उसके अलावा बाकी सारे विभाग भारतीयों को देने की बात की गई थी। सो इट इज नॉट द शिमला कॉन्फ्रेंस। क्रिप्स प्रपोजल में इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई थी। क्रिप्स प्रपोजल में कहा गया था कि आफ्टर द वॉर इंडियन गवर्नमेंट विल बी कन्वीन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी मेड एंड इंडिया विल बी ऑफर्ड अ डोमिनियन स्टेटस। ओके, सो द आंसर हियर इज इट वाज द कैबिनेट मिशन व्हिच सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन व्हिच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर वर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर्स। So here the answer is D, cabinet mission. Next question is, who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? Options are A, Anand Mohan Bose, B, Dadabhai Naroji, C, Badruddin Tayyab ji, ya D, Firoz Shah Mehta. आप देखें तो ये सारे moderate leaders हैं कांग्रेस के। Question is कि इनमें से किसने un-British rule का जो है इस्तेमाल किया था English rule को criticize करने में? So, अगर आपको याद हो, दादाभाई नौरोजी ने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, द पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट इज अ वेरी फेमस बुक इन विच ही गेव द ड्रेन थ्योरी। ओके, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की गरीबी का जो कारण है वो भारत नहीं है, वी वर रिच इन द पास्ट एंड द रीजन फॉर द पुअर कंडीशन और द कंडीशन ऑफ पावर्टी इन इंडिया is because of British colonial exploitation. Okay, so the answer here is B, Dadabhai Naroji. Next question is, who was the Viceroy of India when Rowlatt Act was passed? Okay, agar aapko yaad ho, Rowlatt Act which came during First World War. Okay, and Rowlatt Satyagraha was organized at that time. So us samay aapko yaad karna hai ki Bharat mein kaun Viceroy tha. Options are Reading, Wavell, Irwin and Chelmsford. So, अगर आपको याद हो, वॉवेल इज एसोसिएटेड विद द शिमला कॉन्फ्रेंस या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लॉर्ड वॉवेल थे इंडिया के वॉइसरॉय। लॉर्ड इरविन, सो गांधी इरविन पैक्ट जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय हुआ था। सो दिस टाइम इज अराउंड 1930s। सो ये बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, आइदर इट हैज टू बी ए लॉर्ड रीडिंग एंड डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन 1919 There was a Montague Chelmsford Reform Act, जो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपरेशन का, वो चेम्सफोर्ड के समय में आया था। सो दिस मेक्स मोर सेंस दैट इट मस्ट बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, एंड फॉर डेफिनेट आंसर यस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द गवर्नर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1916 to 1921 एंड रीडिंग वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1921 to 1926। सो आंसर हियर इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड डी वॉज द Viceroy of India during Rowlatt Act. Next question, who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? इसमें से कौन Gandhian follower जो है वो teacher था by profession? So options are A, A.N. Sinha, B, Brijkishore Prasad, C, J.B. Kripalani या D, Rajendra Prasad. So अगर आप इन चारों options को ठीक से देखें, all of these people were associated with Gandhi during Champaran Satyagraha movement. ये सारे लोग जो थे वो गांधी जी के संपर्क में चंपारण सत्याग्रह के दौरान आए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा ए, ही वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बाद में पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने बिहार के। ब्रजकिशोर प्रसाद, ही वाज आल्सो लॉयर बाय प्रोफेशन। राजेंद्र प्रसाद, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज आल्सो लॉयर बाय प्रोफेशन।
J.B. Kripalani is also known as Acharya J.B. Kripalani. Okay, so he was the teacher by profession. Okay, and he was a professor of English and history. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 9. Where was the session of Indian National Congress was held in 1885? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन अधिवेशन 1885 में कहां पे आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर अहमदाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा या दिल्ली. ओके, सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन 1885 में तेजोदास गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में बॉम्बे में आयोजित किया गया था. Earlier, actually, it was supposed to happen in Pune, but because of plague outbreak, it was shifted to Bombay. First session was attended by 72 delegates, and the president of Indian National Congress in the first session was Vomesh Chandra Banerjee or W.C. Banerjee. Okay. Now, the last question for today, this is assertion reason. So, assertion A, the Congress ministries in all the provinces resigned in the year 1939. Reason: the Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against the Germany in the context of Second World War. Options, अगर आपको दोनों statement, assertion और reason सही लगता है और reason जो है वो correct explanation लगता है A का, then it is A. If both the statements are true but reason is not the correct explanation of assertion, then it is B. C, if A is true but R is false, and D, if A is false but R is true. So, देखते हैं. Assertion: Congress ministries in all the provinces resigned in the year 1939. Yes, that is correct. Reason: that they resigned because the Viceroy declared in the war against Germany as part of Second World War. The reason is also correct here. So, here the answer becomes A, that both assertion as well as its explanation is correct. Okay. So, बाद में इंडियंस का एसोसिएशन सिक्योर करने के लिए दे मेड समथिंग कॉल्ड एज ऑगस्ट ऑफर एंड देन लेटर दे सेंट क्रिप्स प्रपोजल. सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे. फॉलो द डेली एमसीक्यूज टू असेस योरसेल्फ. रोज आप इन 10 सवालों को देख सकते हैं. आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. ओके, इफ इट इज अबव 70% देन इट इज रियली गुड. ओके, अदरवाइज वी नीड टू वर्क. इफ you have already prepared, then it is the best way for revising your preparation. Questions are the best way to revise. Okay, ultimately you will be dealing with the questions in the examination hall, so it is the best way of revision. Agar you have any problems, you want to learn any topics, aapko koi session chahiye, ya you want me to make lessons of any particular topic, please send me an email on upscselfhelp@gmail.com. any concern or queries, please feel free to send us. कॉमेंट भी कर सकते हैं. विल रिप्लाई विद इन 48 hours. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. टुमारो अगेन विल मीट यू विद द न्यू 10 क्वेश्चंस. इफ यू वांट टू फॉलो अस, प्लीज फॉलो अस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी हैव गिवन यू द डिटेल्स हियर. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.